फॉर डे है। ये दिन दुनिया के सैन्य इतिहास में बहुत वीरता के किस्सों में लिखा गया है। इस दिन को इज़राइल के बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, ये जो बहादुरी का किस्सा है, बहादुरी का दिन है, जो भारत के लिए गौरव का पल था, इसको हमने भुला दिया, इतिहास के पन्नों में कहीं गुम कर दिया। आज का वो दिन है जब हमारे भारतीय वीरों ने अपने शौर्य के लहू से यहां से 4000 किलोमीटर दूर जाकर, 7 समंदर पार जाकर, इज़राइल की धरती पर, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य होता था, यरूशलम के नाम से एक शहर बोला जाता था, वो होता था, वहां पर जाकर हमने वीरता के झंडे गाड़े थे। आज का दिन वो दिन है जब पूरा इज़राइल कृतज्ञता के साथ पूरे भारत को नमन करता है। वो याद करता है 101 साल पहले की वो कहानी, जब भारत के वीरों ने जाकर इज़राइल के शहर हाइफा को ओटोमन साम्राज्य, जो 400 साल पुराना साम्राज्य था तुर्की, और उस ओटोमन साम्राज्य की जड़ें कितनी विशाल थी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 साल तक वो टिका रहा, 400 साल तक वो बढ़ता रहा, और तीन तीन देश की सेनाओं का हमारे वीरों ने सामना किया था। सामने जो दुश्मन देश की सेनाएं थी, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, तीन तीन देशों की सेनाएं सामने थी। उनके पास मशीन गन थी, तोप थी, बंदूकें थी। हमारे पास, हमारे सैनिकों के पास जो हाइफा को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे, उनके पास केवल भाले और तलवार थी। दुनिया के सैन्य इतिहास में वो पहला अंतिम युद्ध है जब घोड़ों का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया। वो अंतिम पहला युद्ध है जब तलवार और भालों का प्रयोग किया गया। ये हाइफा और इजराइल की कहानी कैसी है? यरूशलम, जिसको यहूदी अपना धार्मिक स्थान मानते हैं, 2000 सालों तक उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको इधर उधर भगा दिया गया, और जब वो पूरे देश में, पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर वो रहते थे, तो हर यहूदी का केवल एक ही सपना होता था कि मैं कभी ना कभी यरूशलम में, जहां हमारा जन्म हुआ, जो हमारी राजधानी है, वहां पर वापिस जाऊंगा। और उनका सपना कितना कितना मजबूत था आप अंदाजा लगाइए कि हर यहूदी जब आपस में मिलता था, तो मिलने के बाद जब वो बिछड़ते थे तो क्या कहते थे कि अगली बार जब मिलेंगे तो यरूशलम में मिलेंगे। मतलब जब हमारा देश बन जाएगा तो उस देश के अंदर हम आगे मिलने वाले हैं। राजधानी से दूर है, छोटी सी जनसंख्या है। आज भी यदि इज़राइल की हम बात करें तो 50 लाख की इज़राइल की यहूदियों की आबादी है, और 50 करोड़ मुसलमानों के बीच में वो बहुत, दुश्मनों के बीच में वो बहुत वीरता के साथ, स्वाभिमान के साथ रहते हैं। तो ये हाइफा की कहानी क्या है? इज़राइल बना नहीं है, यहूदी पूरे विश्व में प्रताड़ित हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की तीन रियासतों को लिया, एक जोधपुर की रियासत, दूसरी मैसूर की रियासत, और तीसरी हैदराबाद की रियासत। इन तीन रियासतों को लेकर उन्होंने सैनिकों के साथ एक जिम्मेदारी दी भारतीय सेना को। आप सबको पता है कि पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक और दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़े थे, तो उनको मोर्चा दिया गया। हाइफा शहर समुद्र के तट पर इज़राइल का एक प्रमुख शहर है, उसके ऊपर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा है। ओटोमन साम्राज्य का सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की, तीन देशों की सेनाएं वहां पर लगी हुई हैं। तीनों देशों की सेनाओं ने उस शहर को चारों ओर से, पहाड़ों के बीच में शहर है, उसके ऊपर मोर्चाबंदी की हुई है। मशीन गन उनके पास है, तोप उनके पास है, बंदूक उनके पास है, और इधर क्या है, इधर कुछ सौ सैनिक हैं जो घोड़ों के ऊपर सवार हैं। उसमें जोधपुर रियासत के कुछ सैनिक हैं, मैसूर रियासत के कुछ सैनिक हैं, और हैदराबाद रियासत के कुछ सैनिक हैं। उनके पास हथियार क्या है? उनके पास तलवार और भाले हैं। अब लड़ाई होती है, वो आक्रमण करने के लिए जाते हैं। जब वो आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो जो ब्रिगेडियर होता है वो अंग्रेज होता है। वो अंग्रेज ब्रिगेडियर उनको कहता है कि ये जो हमला हम करेंगे हाइफा शहर पर, इसको जीतना मुश्किल है, क्योंकि एक तो शहर है, फिर हमें आक्रमण करना है, चढ़ाई चढ़ के आक्रमण करना है, और तीसरी बात यह है कि सामने वाला अपनी चौकियों में, अपनी, अपने मोर्चे में मजबूती के साथ जमा हुआ है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आक्रमण करने के लिए जब ये जाते हैं तो बीच में ब्रिगेडियर आदेश देता है कि वापस लौट आओ, क्योंकि इस युद्ध में कुछ प्राप्त नहीं होगा, मारे जाओगे। तो उस समय मेजर दलपत सिंह शेखावत और उस समय
जो भारतीय सैनिकों के प्रमुख होते हैं, वो कहते हैं कि हम एक बार युद्ध में निकल गए, तो भारत के सैनिकों की ये परंपरा होती है कि वो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। वो कहते हम अपने देश में वापस जाएंगे तो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, हम इससे अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाएं, कम से कम वीरगति को तो प्राप्त होंगे। तो ऐसा भारत का जज्बा रहा है। अंग्रेजों ने जितने विश्व युद्ध जीते हैं वो भारत की वीरता के बल पर जीते हैं। भारत से ज्यादा वीर और कोई कौम नहीं रही है, और कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं रही है। आक्रमण किया गया, ब्रिगेडियर ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, वापस नहीं आने के लिए तैयार, तो जैसा इच्छा हो वैसा करो। और उन्होंने ये मान लिया था कि ये मिशन तो सफल नहीं हो सकता। सैन्य इतिहासों में आज भी ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि ये इस तरह की लड़ाई हुई है, बहुत रोचक जंग हुई थी, और एक दिन के अंदर ही उन्होंने हाइफा शहर के ऊपर कब्जा कर लिया था। सबसे कम समय में जीती जाने वाली जंग थी, दुनिया की सबसे आखिरी जंग थी जिसमें घुड़सवार घोड़ों का प्रयोग किया गया था, घुड़सवार सैनिकों ने जो लड़ी थी। दुनिया की आखिरी जंग थी जिसमें तलवारों और भालों का प्रयोग हुआ था। 1918 के बाद बंदूकें आ चुकी हैं, लाइट मशीन गन आ चुकी है, तोप तो बहुत पहले बन चुकी थी, 300 साल पहले, 200 साल पहले, आप सबको पता है। उसके बाद तलवारों और भालों का प्रयोग नहीं रहा था। तो ये जो कहानी है, ये कहानी मिलिट्री के सैन्य इतिहास में पढ़ाई जाती है, और आज भी इसराइल के बच्चे बच्चे को ये कहानी पढ़ाई जाती है।